जय हिंद और स्वागत है आप सभी का। आप सब की एक बहुत ही कॉमन दिक्कत आ रही थी, आपका एक कॉमन क्वेश्चन था कि हरियाणा में जो EWS की सर्टिफिकेट लगेगी वो किस साल की लगेगी, किस डेट को वो बनी हुई है तो कब तक वो वैलिड होगी। आज EWS से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस में जो EWS के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो भी कैंडिडेट हैं उनको अब 5 साल एज में छूट दी गई है, यानी कि 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी की एज होती थी, लेकिन अब EWS के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि अब 30 साल तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो हुई ये। दूसरी बात है, EWS के कैंडिडेट को हाइट में भी छूट मिलेगी और चेस्ट में भी छूट मिलेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर जबकि EWS के लिए है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको चेस्ट में भी छूट मिलने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं हरियाणा पुलिस का। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात अब जो आती है कि EWS की जो सर्टिफिकेट है वो कब की बनी होनी चाहिए। आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो कैंडिडेट का डाटा है वो हाइड कर दिया है, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये सर्टिफिकेट है हरियाणा गवर्नमेंट की, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये बनी हुई है वैलिड फॉर द ईयर 2019 या 2020, यानी कि ये बनी कब थी 2019 में और कब तक ये लागू होगी 2020 तक। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, जो आपको कन्फ्यूजन है वो एक मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कैसे, आप EWS सर्टिफिकेट को जो है थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन मुद्दा है ना वो ये है, नीचे देखिए SR नंबर, प्लेस और डेट लिखी हुई है, बस ये देख लीजिए, बाकी और आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस जैसे कि इसमें तोसाम लिखा हुआ है और जो डेट है, डेट ये 11/27/2019, यानी कि ये EWS की सर्टिफिकेट कब बनी थी, ये बनी थी 27 तारीख 11/11/2019 के साल को। अब इसमें एक साल और ऐड कर दीजिए, यानी कि कब तक वैलिड होगी, ये 27 तारीख 11/11/2020 तक ये लागू होगी, यानी कि अब इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब आपको EWS के लिए नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो बार बार किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस आइए अपने EWS की सर्टिफिकेट खोलिए और सीधा नीचे आके देख लीजिए कि प्लेस के नीचे जो डेट है वो कौन सी है और उसमें एक साल ऐड कर दीजिए। अगर आपकी जो EWS की सर्टिफिकेट है वो एक साल के हिसाब से उसकी डेट बची हुई है फॉर्म अप्लाई करने तक, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है उसके अंडर में अगर आपकी EWS के सर्टिफिकेट की डेट है तो बस आपको कोई ज़रूरत नहीं है EWS की नई सर्टिफिकेट बनवाने की। ठीक है, ये एक कॉमन सी क्वेरी थी जो आप सब के लिए, आप सब की तरफ से आ रही थी। तो उम्मीद है आपके अब सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। EWS के कैंडिडेट को हाइट में भी छूट मिलेगी, चेस्ट में भी छूट मिलेगी और एज में भी छूट मिलेगी, ये बात भी कंफर्म है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। और हरियाणा पुलिस के टारगेट बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, हमने हरियाणा पुलिस के टारगेट बैच को लेकर चल रहे हैं, उसमें हरियाणा जी के, इंडिया जी के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, हर एक सब्जेक्ट को जो है वो एग्जाम तक है उसके पूरे सिलेबस को कम्प्लीट करेंगे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।